प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 17 नवंबर 2021 बुधवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है, आज त्रयोदशी तिथि है और शुक्ल पक्ष है। और आज त्रयोदशी तिथि सुबह 9:51 और 31 सेकंड तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। आज चंद्रमा मेष राशि में है और 5 डिग्री पर विद्यमान है और आज सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आज यदि हम नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी केतु देव है। दर्शकों, यदि आज हम त्योहार की बात करें तो आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज का राहु काल 12:11:39 से 13:32:35 तक रहेगा और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्ल पक्ष चल रहा है, बुधवार है, इसीलिए जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं आज बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर आप चांदी में या सोने में बनाकर पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सोना या चांदी किसमें बनाकर पहनना है ये आपकी कुंडली से निर्धारित होगा। इसे आप गले में लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। जिन लोगों का भी बुध अच्छा है और 3, 6, 8 या 12 में नहीं है, इन भावों में यदि वो बुध नहीं है तो आप बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए, यदि आपको महादशा चंद्रमा की चल रही है, मंगल की चल रही है, तो आप ये बुध का रत्न पन्ना फिर नहीं पहनेंगे। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। आज 2 बादाम लेकर के उन्हें गणेश जी के सामने अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ करके ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ये उपाय आज आपको करना है और ये सभी जातक कर सकते हैं, सभी लग्न और सभी राशि के जातक ये उपाय कर सकते हैं, चाहे फिर आपकी कुंडली में बुध मारक है या योग कारक है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों को ज्योतिष के संदर्भ में एक ऐसे ही योग के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिसे आपने अक्सर सुना भी होगा। मैं बात कर रहा हूं गज केसरी योग की। दर्शकों, जब भी किसी कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ एक ही राशि के अंदर स्थित हो तो वहां गज केसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन कुछ विद्वान इसे दृष्टि के आधार पर भी यदि यह योग बनता है तो उसे भी गज केसरी योग के समान ही मानते हैं। जैसे चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वहां पर यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो भी वो गज केसरी योग के समान फल देने वाला मानते हैं। और यदि मान लीजिए बृहस्पति कहीं बैठा है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि है तो भी ये गज केसरी योग के समान ही फल देने वाला मानते हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे स्थायी प्रभाव होता है यदि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के अंदर हो और आपके जन्म के समय वो अगर स्थिति बन रही है आपकी कुंडली के अंदर तो उसे गज केसरी योग माना जाएगा और उसके प्रभाव आपकी कुंडली में अवश्य आते हैं। लेकिन एक चीज समझनी है, ये योग तो अच्छा है लेकिन हर व्यक्ति को ये शुभ फल दे ये आवश्यक नहीं है। जैसे वृषभ लग्न के लिए, मैं वृषभ राशि की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये गज केसरी योग कभी भी शुभ होता ही नहीं है। इसीलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, किसी योग का बनना एक अलग विषय है लेकिन उस योग के कारण से आपको क्या उसके उचित फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन ग्रहों की स्थिति, जिस ग्रहों से वो योग बन रहा है उनकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, ये सब देखने के बाद ही निर्धारित होता है कि आपको आपकी कुंडली के अंदर वो योग कैसा फल देगा। जैसे गज केसरी योग है, यदि मेष लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो तो बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे।
मीन लगन की कुंडली होगी तो भी ये श्रेष्ठ फल देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, धनु है, मकर है, कुंभ है, तो दर्शकों इन लगन के अंदर ये गज केसरी योग पूरी तरह से फलित नहीं होता है और इसमें आपको इसके पूर्ण फल देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, किसी योग के बनने से उत्साहित मत होइए, बल्कि ये देखिए कि वो योग आपके लिए कैसा है। यदि ये चीज आपको समझ आ गई तो आप अपनी कुंडली के प्रेडिक्शंस बहुत ही बेहतर ढंग से फिर अवश्य कर पाएंगे। दर्शकों आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:47:55 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही बुध और मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर केतु देव है और सूर्य देव विद्यमान है। धनु राशि में शुक्रदेव है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनि है। मेष राशि के अंदर चंद्रमा है और वृषभ राशि के अंदर राहु देव विद्यमान है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल बता रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन आज आपका प्रसन्न भी है, विचारों की अधिकता भी आज आपके अंदर बनी हुई है, थॉट प्रोसेस आज आपका अव्वल दर्जे का है और जो भी सोच रहे हैं बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सोच रहे हैं, ऐसी योग्यता आज आपको अवश्य मिलती है। तथा आज किसी भी चीज को लेकर के आपका रिसर्च करने का मन करेगा, गहराई से चीजों का आप एनालिसिस भी करेंगे और आज आप मन से किसी का कुछ भला करें, ऐसी प्रबल जिज्ञासा भी आज आपके अंदर अवश्य रहेगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी खर्च की अधिकता बन रही है तथा जहां से पैसा आना है आज वहां से लास्ट मोमेंट पर आपको नेगेटिव सुनने को मिलेगा, यानी कि आज पैसा नहीं दे पाएंगे, ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन केतु कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठे हैं, जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आज आप भावनाओं के स्तर पर निर्णय लेंगे। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिए, आज भावनाओं में बह करके निर्णय लेने का समय नहीं है। अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, वाक चतुर्य का इस्तेमाल कीजिए और वक्त पर अपने काम पूरे हो इसके लिए जो रास्ता आपको अपनाना चाहिए वह आप अवश्य अपनाइए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके ध्यान को भंग कर रहा है। आप एकाग्रचित भी नहीं है तथा संतान के साथ भी कुछ विरोधाभास हो सकता है। आज कोई व्यक्ति आपसे अपना बनकर के आपका फायदा उठाए इसकी संभावना भी बनती है। ऐसे में आज अपने भावनाओं के ज्वार को ज्यादा उठने मत दीजिए, यथार्थ पर रह करके, यथार्थ की धरती पर रह करके और यथार्थ को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लीजिए कि आज आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए आज उचित है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप बेहतर कार्य अवश्य कर पा रहे हैं तथा क्रिएटिविटी भी आज आपकी बेहतर है। कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आज अपने व्यापार के अंदर इस्तेमाल करें इसकी संभावना बनती है। आज संतान के साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे तथा आज आपको कुछ अकस्मात लाभ की संभावना भी अवश्य बनती है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। केतु के कारण से आज कुछ नया करने का प्रयास आप अवश्य करेंगे तथा परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रहेगा। लेकिन आज कार्य में थोड़ी सी लापरवाही देखी जा सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंता है तो वहां आपको आज ध्यान अवश्य देना है तथा कोई भी कार्य आज आपको भाग्य के भरोसे नहीं करना है, इस चीज का आज आपको ध्यान अवश्य रखना है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज एक बात का ध्यान रखिए, अपना कार्य पहले कीजिए और दूसरे कार्यों को प्राथमिकता बाद में दीजिए, क्योंकि आज का दिन ऐसा बन रहा है कि आप अपने काम छोड़ करके दूसरों के कामों को पूरा करेंगे और जिसकी वजह से आज का दिन आपके लिए ना इस्तेमाल होकर किसी दूसरे के काम में आए, ऐसी परिस्थितियां बन रही है। चंद्रमा के कारण से मन के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन भी हावी रहेगा
तथा परिवार को लेकर के भी आज आप थोड़े से उदास रह सकते हैं या परिवार की किसी समस्या को लेकर के आज थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। ऐसे में आज जो मैंने आपको बुधवार का उपाय बताया है, 2 बादाम गणेश जी को अर्पित करने वाला, वह आप अवश्य कीजिए। आपको निश्चित तौर पर आज फिर अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मन भी आपका प्रसन्न है, धन आगमन भी सुगम है, परिवार का माहौल भी अच्छा है और आज कुछ नया करने का मन भी आपका कर रहा है। ऐसे में हर तरह से आज का दिन आपके फेवर में है। अपने ध्यान को एकाग्र करके आज कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए, आपको ये अवश्य करना भी चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मित्रों से मुलाकात का बन रहा है। कुछ धन आगमन भी होगा, रुका हुआ पैसा भी वसूल हो इसकी संभावना भी बनती है। मन के अंदर आज दूसरों को फायदा पहुंचाने की प्रबल जिज्ञासा रहेगी, दूसरों की मदद करें ऐसी भावना आज आपके अंदर है तथा आज आप स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बल्कि अपने किए गए मेहनत का रिवॉर्ड दूसरों के साथ शेयर करें इसकी संभावना भी आज अवश्य बनती है। आज का दिन आपके परमार्थ के लिए है और इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आज आप कोई चिंता फिक्र भी अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे। जो होगा देखी जाएगी, ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा, ऐसी आज आपकी भावना अवश्य रहेगी। लेकिन मन थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है और संतान को लेकर के कुछ चिंता आज आपके मन में हो सकती है। आज किसी भी बड़े ऐसे जगह पर आप पैसा ना लगाए जहां कुछ रिस्क बनती हो। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी इच्छाएं पूरी हो इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। आज आप ब्रॉडवे में रहकर के चीजों के बारे में विचार करेंगे और संकीर्ण मानसिकता नहीं है, इसीलिए आज चाहे फिर आपको कुछ कम मिल रहा है उसके बाद भी आप अपने अंदर संतुष्टि का भाव जरूर रखेंगे। आज का दिन आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भी बनता है, इसीलिए आज के दिन का आप सदुपयोग अवश्य कीजिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर इनोवेशन का बन रहा है। आज आप कार्य भी बेहतर ढंग से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज परिणाम आपको अवश्य प्राप्त हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आज की मेहनत का परिणाम आपको आज नहीं मिल रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसके परिणाम भविष्य में आपको मिलेंगे अवश्य। इसलिए उतावलापन जल्दबाजी परिणामों को लेकर के मत रखिए, ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। आज का दिन केवल अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और परिणामों की चिंता फिर बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन धन परिवार को लेकर के अच्छा बन रहा है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है तथा आज आप किसी दूसरे की मदद करके प्रसन्नता का अनुभव भी अवश्य करेंगे। आज आपकी डिमांड आपके घर में बहुत ज्यादा है क्योंकि परिवार में कुछ ऐसी समस्या है जो केवल आप ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में आज परिवार के लोग आपसे कुछ मदद भी मांगेंगे और आप उस मदद को करके प्रसन्न भी रहेंगे और आज आपकी सहायता के कारण से ही परिवार के अंदर परिस्थितियां सामान्य भी रहेंगी, ऐसा आज मुझे आपके लग्न के आधार पर अवश्य नजर आ रहा है क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति आज कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। दर्शकों, ये मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर आपका लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।